रंग रंगीलो राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान राजस्थान री धरती सु खमा घनीसा। नमस्कार, डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। दिल्ली से 800 से भी ज्यादा का किलोमीटर हमने तय कर लिया है और हम पहुँच गए हैं गिरवर, यानी कि पहाड़ों से गिरा हुआ एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। आज आप यहां पर बदलती हुई तस्वीर को देखेंगे, बदलते हुए उस नजारे को देखेंगे जहां आदिवासी महिलाएं एफपीओ बनाकर खेती बाड़ी से जुड़ रही है। भारत सरकार या यूं कहूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे किसान जो है वो तस्वीर में सबसे आगे हो, उनकी आमदनी दोगुना हो और ज्यादा से ज्यादा किसान एफपीओ से जुड़े। आज एफपीओ की तस्वीर को समझेंगे, उस पर बात करेंगे। तो गिरवर गांव में पहुंचने वाले हैं, बस इस पगडंडी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा बाकी है, सफर पूरा करेंगे और बताएंगे कि आज की चौपाल चर्चा में क्या मिल सकता है राजस्थान की धरती से। राम राम, क्या नाम है भाई? कमला भाई। अच्छा, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी भाई। लक्ष्मी भाई, ये क्या है? ये मोटा अनाज है श्रीयल, जिसको बाजरा बोलते हैं। अच्छा, ये श्रीयल है? यस। तो श्रीयल के बारे में कैसे जानकारी मिली कि श्रीयल लगाना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि मोटा अनाज लगाओ और खाओ, जिससे बीमार कम पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसलिए हमने ये मोटा अनाज लगाया है और खाते भी है। क्या बात है, ये हमारी आदिवासी महिलाओं का जज्बा देखिए। तो यहाँ मोटा अनाज लगता है? हाँ, लगता है। मोटे अनाज में बाजरा हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया। हाँ। तो यहाँ बाजरा भी लगाते हैं? बाजरे भी लगाते हैं। बाजरे से क्या क्या बनता है? सोगरा बनता है, खीस बनता है, अब तो बिस्किट भी बन रहे हैं, नमकीन भी बन रहे हैं। नमकीन भी बनता है, बन रहे। तो फायदे मालूम है? अच्छा, ये कौन सा गाँव है? गिरवर गाँव है। तो हमारे साथ चलिए, हम गिरवर गाँव में चौपाल चर्चा करेंगे और वहीं पर बैठ के तमाम बातें करेंगे। चलिए हमारे साथ। की पहाड़ियों को पार करते करते गिरवर गांव में पहुंच ही गए हैं और हमारी चौपाल जो है आप देखिए, आदिवासी महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। ये तालियों की गड़गड़ाहट पहाड़ों से आ रही है, आपके घर तक जरूर पहुंच रही होगी। और ये तालियों की गड़गड़ाहट ये कहती हुई कि हम आदिवासी समाज के वो लोग हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के सबसे ज्यादा भील और गरासिया यहाँ पर रहता है, जब तस्वीर में कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, लेकिन बदलती हुई सरकारों ने और बदलते हुए दफ्तरों ने कुछ ऐसा बदल दिया कि घरों से बाहर निकलकर हमारी महिलाओं ने अपनी चौखट लांगी और आज काम जो कर रही हैं वो आप खुद महिलाओं की जुबानी सुनेंगे। बहुत धन्यवाद, हमारे साथ नाबार्ड कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर और तमाम डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, किसान महिलाएं। अब जरा सोचिए, पुरुषों की तादाद बड़ी कम है। ये बदल रहा है भारत, ये बदल रहा है हिंदुस्तान। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत जो है मैं यहाँ पर जो हमारे सीनियर अधिकारी बैठे हैं उनसे ही करूंगी। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सिरोही जिले में। मैं संजय तनेजा, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट से हूँ। आपकी क्या भूमिका होती है, किस तरह से हमारी महिलाओं तक वो तस्वीर पहुँचाते हैं जो सरकार चाहती है? राधिका जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खेत के अंदर बैठे हैं। सबसे पहले हम इस माटी को छूते हैं। इस माटी में कितनी ताकत है, पैदा करने की कितनी ताकत है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्कीम चलाई है 2015 में, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो राजस्थान की धरा बीकानेर से ही पूरे भारत में इस योजना का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसके तहत ही हम 2015 से आज तक इस जिले के हर खसरे में हर जोत की माटी का हम टेस्ट कर चुके हैं। उस टेस्ट करके हम किसानों को उसकी मिट्टी में क्या ताकत है, क्या न्यूट्रिएंट है, क्या उसमें वो उगा सकते हैं, मौसम के हिसाब से उसको सिफारिश करते हैं और सिफारिश मृदा स्वास्थ्य कार्ड के रूप में इन सभी महिला किसानों को और सभी कृषकों को जिले में उपलब्ध कराते हैं। जी,
दूसरा एपीओ की हम यहाँ पर बात करेंगे, महिला एपीओ। ये तो इतनी सुंदर तस्वीर हो गई है कि महिलाएं जुड़कर खेती कर रही है, एक साथ समूह बनाकर काम कर रही है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार क्या मदद करती है? अगेन मैं कहना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी पूरे देश में 10,000 एफपीओ विकसित हों, तो उस एफपीओ के तहत ही हमारे जिले में 5 एफपीओ नाबार्ड के सौजन्य से स्थापित हो रहे हैं। क्या बात है। और उसमें हमारा जाम खड़े हैं, ये आबू, हमारा आबू तहसील कह दें या आबू ब्लॉक कह दें, इस आबू ब्लॉक में भी एक एफपीओ विकसित हुआ है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। और सही कहा कि देखिए खेतों में है, अब दफ्तर हमसे छूट चुके हैं और राजस्थान की गर्मी को हम बड़े करीब से महसूस करते हैं जो खेतों में हमारे किसान काम करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार राधा जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी yes. इतनी बुलंद आवाज कैसे है लक्ष्मी जी आपकी? हमारे ये गांव भी ऐसा हंसता खिलता है। हंसता खिलता है हाँ। अच्छा मैं देख रही हूँ तमाम जो हमारी यहाँ पर महिलाएं बैठी है आदिवासी महिलाएं हैं। हाँ सब आदिवासी महिलाएं ही हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, सारी महिलाएं छुपके घरों में रहती थी, घर से बाहर कैसे? अब हमने घर में तो काम वो है, वो है ही है, उस चीज को हम सुबह जल्दी उठ के करते हैं और फिर ज्यादा काम हम बाहर ही निकल के करते हैं। जी यानी घर के चौखट को लांग दिया है, घरों से बाहर निकल कर आप काम करती है। खेती बाड़ी में क्या करती है आप? मैम हमारे पास जमीन जैसे 1 से 2 बीघा ही है, जिससे हमारा पूरा घर पूर का मतलब खेत से नहीं हो पाता है। तो इसके साथ साथ हमें प्रधान संस्था के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें पशुपालन को लेकर बकरी पालन और मुर्गी पालन पे प्रशिक्षण दिया गया था। उसको लेकर अभी हमने सिरोही नस्ल से बकरी पालन किया और सिरोही नस्ल से हमें मुर्गी के चूजे मिले थे, जिसको हमने बड़ी मात्रा में अभी हम पाल भी रहे हैं, जिससे अब हमारा बकरी पालन मुर्गी पालन में जो पहले में हमको नहीं पता था और बहुत सारे मर जाते थे, लेकिन अब हमारी वो मात्रा कम हो गई है और हमारा बढ़ावा ज्यादा हो गया है, तो इससे हमारी आमदनी ज्यादा हो गई है। ज्यादा मतलब जो दो गुना की बात की जा रही है वो सच है? हाँ सच है वो। अच्छा हाँ क्या कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिलाएं मुस्कुराती हुई खेतों में आगे काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक जगह मिले। हाँ, वो मिल रही है? हाँ मिल रही है, वो स्थान मिल रहा है। हाँ, तो गांव में कितनी महिलाएं एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं? हमारे यहाँ गिरवर गांव में 720 महिलाएं जुड़ी हुई है। 720 महिलाएं? हाँ, क्या बात है। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी आपसे भी मैं जानूंगी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम गुजरी है। गुजरी बाई। हाँ, क्या करती हैं आप? मैं किचन गार्डन लगाती हूँ और प्रधान संस्था के द्वारा हमारे को किचन गार्डन की मतलब प्रशिक्षण मिला था, उसमें मैं मेथी पालक धनिया मूली गाजर सब लगाते हैं और उसमें मतलब घर के पैसे वो बच जाते हैं सब्जी वाले जो मार्केट से लाते थे। हाँ। अच्छा ऐसे कैसे हो गया, मैंने कभी देखा नहीं कि महिलाएं घरों में सब्जियां लगाती हो, यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल है सब्जियां लगाना करना, तो इतना सब सीख लिया आपने? हाँ मतलब प्रधान संस्था से हमारे को प्रशिक्षण मिला था, उसमें मतलब बीज भी लेके आते थे तो उसमें बाया पैसे से खरीदी थी और फिर लगाती थी। अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी तमाम हमारे यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं आपके खेतों में आते हैं? हाँ आते हैं, समय समय पर जानकारी हाँ, मिलती है। जानकारी मिलती है। अच्छा यहाँ पर मिट्टी की जांच की भी बात कर रहे हैं, तो आपने कभी करवाई है? हाँ करवाई है, थैली में भर के मतलब देती है मिट्टी। अरे वाह क्या बात है। अच्छा सम्मान निधि की भी बात कर लेती हूँ, हर चीज अगर आपके गांव में है, पीएम किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपए लोगों को दिए जाते हैं किसानों को, तो आपके गांव में भी मिल रहे हैं किसानों को? हाँ मिल रहे हैं सभी को। सभी को मिल रहा है? सभी को मिल रहे हैं, यानी सरकार की तमाम योजनाएं आपके खाते तक आ रही है? हाँ आ रही है। बहुत धन्यवाद जी। जी क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही है। नमस्ते। नमस्ते राधा जी, क्या नाम है? आदिवासी महिला हूँ। अच्छा मैं सब्जी रो धंधा करती हूँ। अच्छा आप आदिवासी महिला और सब्जी रो धंधा मतलब सब्जी का धंधा, सब्जी उगाती है? सब्जी उगाती हूँ। उगाती है, क्या क्या सब्जी लगाती है आप? मिर्ची और टमाटर रेंगन सब लगाती हूँ। अच्छा ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जी को जानती है आप? मोदी जी को जानती है? जानती हूँ। जानते हैं? सुनते हैं आप? क्या कहते हैं वो? मोदी जी कितरो फायदा दे दो है कि सूर्य किरण लगर जो को मास है वो लाइट ने होते उठ लाइट पहुंच आ जी है। आपके घर लाइट पहुंच गई? पहुंच गया। पानी पहुंच गया? पहुंच गया। अरे क्या बात है, स्कूल की सुविधा है? सुविधा है। अब आपसे क्या पूछूं मैं, बैठिए। तो इनका कहना है कि देखिए कितनी सुविधाएं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए की है और तमाम अधिकारी हमारे घरों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पहले लकड़ी काट कर गाँव से और शहरों में बेचते तो दिन भर के 100 रुपए कमाना होता था, अब सब्जी लगाकर उसी 100 से 1,000 में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो गया है। इतनी सुविधाएं हो गई हैं, समय पे बिजली आना, पानी आना, तमाम बातें जो है महिला ने अपने अंदाज में अपने जो क्षेत्रीय भाषा में कहा, आप समझ गए होंगे वो क्या कहना चाह रही थी। और भी हमारी महिलाएं हैं। जी माता जी आप खड़े होइए। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। अच्छा गीता भाई। हाँ। अच्छा गीता भाई एक बात बताओ, आप तो बड़ी सुंदर लग रही है, ये पहनावा आपके यहाँ का है?
यही पहनावा है यहाँ का? यहाँ का सफेद वार। अच्छा, ये पहनावा है। क्या करती हैं आप? खेती बाड़ी करो कही है। अच्छी है खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी ने कोई अरे सब्जी थोड़ी थोड़ी खावा मटर लगावा कही है। सब्जियाँ लगाती है? हाँ, खावा मटर बदे रहे तो कोई पानी नहीं है, नहीं लगे थोड़ी खावा मटर लगाओ। ठीक है, धनिया है, भिंडी है। अच्छा, सिलाई बुनाई भी करती हैं? सिलाई बुनाई नहीं। बकरी मुर्गी कुछ पालती हैं? हाँ, मुर्गी पालो कही है, बकरी पालो। अच्छा, ये आपको जो मुर्गा है कहाँ से मिला? अरे सिरोही केवासी। अच्छा, अधिकारियों से, कृषि विज्ञान केंद्र से? हाँ। और उसके बाद अब कितनी मुर्गियाँ हो गई आपके पास? मुर्गी तय हो गई क्या, बेच दी। बेच भी दी? हाँ। अच्छा, पैसा मिला? पैसा तो मिला नहीं। ठीक है, बैठिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, मैं आपसे बात करूंगी। पहले नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता राठौड़ है और मैं एजुकेट गर्ल्स महिला अधिकारिता विभाग के साथ जो काम कर रही है उनमें एजुकेट गर्ल्स में क्लस्टर देखती हूँ। और हम लोग महिलाओं और लड़कियों के लिए मैम काम करते हैं स्पेशल, कि जो आदिवासी महिलाएं उनको बाहर नहीं निकाला जाता था, आज वो बाहर निकलने लग गई है। और हमारा मेन मकसद यही है कि महिलाएं अपने जेंट्स के सामने हाथ नहीं फैलाएं, उनका हाथ ऐसे नहीं रहे बल्कि ऐसे रहे, तो हमारा यही मकसद है। सफल हुई आप इस काम में? बिल्कुल, मैं बहुत सफल हूँ मैम, और महिलाएं हमारी आगे बढ़ रही है। जितनी महिलाएं हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि महिलाओं को घर से बाहर निकालना, काम काज को कहते कि अब आप कुछ और करिए, तो कितना मुश्किल रहता है? मुश्किल तो शुरुआत में था मैम, लेकिन अभी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग गांव में सामुदायिक बैठक करते हैं, रात्रि चौपाल करते हैं, फिर महिलाओं और पुरुषों के साथ हम मिलके काम करते हैं कि भाई महिलाएं भी आगे बढ़ेगी तो पुरुषों को सपोर्ट मिलेगा, उसी तरह से पुरुषों को समझा के और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी दिक्कत नहीं है, हम आराम से काम कर रहे हैं मैम। तमाम योजनाओं को यहाँ तक पहुँचाने में और हमारी महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को लेने में आसानी है? बिल्कुल, अब आसानी है मैम, अब कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं हमारे साथ हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। चलिए, क्या बात है, सिरोही गिरवर गांव की ये आवाज़ है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो लगातार चौपाल चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपसे भी जानूंगी, फिर वक्त हो जाएगा एक छोटे से ब्रेक का। क्या नाम है आपका? नमस्ते राधिका मैम, मैं उर्मिला प्रजापत हूँ, यही गिरवर की रहने वाली हूँ। पढ़ाई करती है आप? हाँ, पढ़ाई करती हूँ, अभी कॉलेज कर रही हूँ फर्स्ट ईयर का। और क्या बनेंगे बड़े होके? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, खेती बाड़ी की बात करूंगी, कितना बदलाव आप देख रही हैं, क्योंकि आप पढ़ती हैं, युवा हैं, समझदार हैं, पहले की खेती और अब की खेती में कितना बदलाव आ गया? बहुत कुछ बदलाव आ गया है जी। हाँ, अभी खेती में तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं, बट मैं सिलाई भी करती हूँ और पार्लर का भी करती हूँ, ट्रेनिंग भी देती हूँ, ट्रेनिंग ली भी थी मैंने एजुकेट गर्ल्स से। क्या बात है, उम्र कितनी है आपकी? 21 की हूँ। 21 साल की है, ट्रेनिंग देती है, लेती है, पार्लर का काम करती है, आप तो सारे काम करती है, क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए, हमारी महिलाएं बहुत जानकार हैं और बहुत जागरूक हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यास्मीन है, गिरवर से हूँ, मैं एजुकेटेड गर्ल विभाग में टीचर का काम करती हूँ और महिलाओं को मैंने पढ़ाने का काम किया है, लड़कियों को शिक्षा विभाग में मैं काम भी किया है और अभी भी मैं पढ़ाती हूँ। और इसकी मीटिंगें होती है एजुकेटेड गर्ल में, वहाँ पे भी जाती हूँ तो स्किल डेवलपमेंट देखती हूँ, सिलाई की वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंगें होती है जो कि महिला को खुद पे डिपेंड किया जा सके। अच्छा, आपने कहा कि आत्मनिर्भर बनाना है महिलाओं को, जैस्मिन ये बदलाव कब से आया, आप कब से देख रही हैं कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं? कितना समय? मुझे 10 साल 8 साल हुए। 8 साल और 10 साल हो गए, यानी कि 10 साल से अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। तो जैस्मिन कहीं ना कहीं खुद भी पढ़ रही है और यहाँ गांव की तस्वीर को देखिए, जो बच्चे पढ़ लेते हैं, 10वीं पास कर लेते हैं, तो वो दूसरों को भी कहीं ना कहीं जानकारी देने के लिए काबिल बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, आगे बढ़ाना है। तो जिला सिरोही और गांव गिरवर से आज की चर्चा चल रही थी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये
ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। राजस्थान के सबसे ऊंचे पहाड़ों से ये चौपाल चर्चा चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर स्वागत करते हैं और जानकारी लेते हैं किस तरह से एपीयू से जुड़कर हमारे यहाँ किसान महिलाएं किसान भाई काम कर रहे हैं। अधिकारी भी बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह जतावत है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही पर विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। क्या काम होता है आपका? हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की तरफ से एक जो जनजाति किसान है TSP योजना जो चल रही है उसमें हम यहाँ के फार्मर को कृषि विज्ञान केंद्र बुला के प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से फार्मर जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है, पानी की समस्या है, उनको हम मुर्गी पालन और बकरी पालन से जोड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उनको जो इम्प्रूव ब्रीड है प्रतापधन, RIR, इस कड़कनाथ, इनकी हमने यहाँ पर प्रदर्शन देते हैं मुर्गियों का। पर फार्मर हम 20 चूजे देते हैं इनको। साथ ही साथ जो हमारी सिरोही जिले की जो बकरी की नस्ल है, सिरोही नस्ल है, उसके इम्प्रूव ब्रीड भी जो बक हैं वो भी हम इनको उपलब्ध करवाते हैं ताकि खेती के साथ साथ इनकी अलग से आय हो सके। ठीक है, ठीक है, चलिए बैठिए। बहुत अच्छी जानकारी दी और सबसे बड़ी भूमिका आप ही की होती है हमारे किसानों तक जानकारी पहुँचाना। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, आपका स्वागत है सिरोही जिला में। मेरा नाम अनिफ है और मैं प्रधान संस्था है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। प्रधान संस्था किस किस चीज़ों पर काम करते हैं, किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं? मेनली तो जो काम है वो समूह में जोड़ना है, महिलाओं को संगठित करने का है, जिसमें महिलाएं एक अपने घर से बाहर एक कदम रखे और ग्रुप बनाए और ग्रुप के माध्यम से जो नई नई तरीके हैं सीखने के और बाहर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनसे जुड़ने का जो मौका है वो उस तरीके से उसको सामने में आके जुड़ती हैं और उससे ज़्यादा ज़्यादा फायदा ले पाए। तो उसके बारे में जो जानकारी है, उनसे जो जुड़ाव है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें हम काम कर पा रहे हैं। दूसरा है जो FPO की बात चल रही है, FPO में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना, उससे ज़्यादा जुड़ाव करना। चौपाल चर्चा में महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, इसके पीछे महिलाओं को ही मैं डिवोट करना चाहूँगा ये वाला चीज़, क्योंकि ये लोगों ने इस चीज़ के लिए जैसे एक दो महिला जो आगे आई है उसने दूसरों को संगठित किया है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपने। सर आप खड़े, एक मिनट। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम सुमित है, सुमित कुमार। अच्छा सुमित जी, मैं उज्ज्वला योजना की यहाँ पर बात इसलिए करूंगी क्योंकि महिला एपीओ से जुड़ रही हैं। तो क्या आज भी हमारी महिलाएं लकड़ियां बिनकर लाती हैं सर पर, उस तरह से चूल्हा चौका करती हैं, या उज्ज्वला योजना भी पहुंची है? नहीं नहीं, उज्ज्वला योजना पहुंची है और इस योजना का बहुत सारी दीदी लोगों ने फायदा लिया है। ऐसा गिरवर गाँव में और आसपास के जो भी हमारे सिरोही जिले के गाँव में। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी भाई खड़े होइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना भाई है और कृषि के बारे में काम करते हैं और कृषि विभाग से हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिली है, जैसे बाजरा, मक्का और सरसों सब कृषि विभाग से मिला है और हम फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है। आत्मनिर्भर है कि नहीं आप? आत्मनिर्भर है, है? हाँ। चलिए अब आपने कहा है तो बेटी आत्मनिर्भर ही होंगी आप। दादाजी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? धनाराम। अच्छा ये बताइए, सरकार की बहुत सारी सुविधाएं धनाराम जी गांव गांव तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को बोला गया है कि भाई आप हमारे हर गांव में पहुंचे, ये अधिकारी आते हैं? आते हैं। सारी सुविधाएं पहुंच रही है? सर सारी सुविधाएं। चलिए बैठिए जी। चलिए क्या नाम है आपका? नमस्कार। जगाराम। जगाराम जी। अच्छा सम्मान निधि जो 2000 रुपए है, सम्मानीय तौर पर कहते हैं किसानों के सीधे जेब में जाते हैं, मिल रहा है? मिल रहा है। क्या कहेंगे, कुछ बढ़ाना चाहिए या बहुत है? ठीक है बैठिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े हुई है। राम राम। राम राम। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमाराम जी। खेती बाड़ी में पहले के मुकाबले मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम जो पहले खेती करते थे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले और जो आज हम देख रहे हैं, कितना बदलाव? अभी तो खेती में अपना फायदा ही है ना। ठीक है भाई, पहले तो जाता था 2-3 रुपए किलो अनाज भी जाता था, वो भी जाता, आज की टाइम में तो 25-30 रुपए किलो जा रहा है। ठीक है ठीक है, अभी तो फायदा ही फायदा है जी। बहुत धन्यवाद, बैठिए। तो महिलाओं की बदलती हुई इस तस्वीर में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका जो है वो पुरुषों की होती है, और कंधे से कंधा मिलाकर हमारी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, और ये क्षेत्र जो है गिरवर खेती बाड़ी में आगे बढ़ रहा है। अब और भी हमारे यहाँ पर देखिए किसान महिलाएं हैं, उनसे मैं सवाल करूंगी कि महिला एफपीओ से जुड़कर कितना फायदा और कितनी लाभान्वित आप हुई है। जी नमस्कार। नमस्कार, मारू नाम कमला भाई है, आशा डेयरी है। आशा डेयरी है आपके पास जी। दूध पहला तो 10-20 रुपये लेता, हमें फैट मारे जाए ने 10-10 दारे पगार खाता में आवे रही है, नहीं पहला कोई नहीं तो हमें सही आ गया, यानी अब थोड़े भाव ठीक मिल रहे हैं। अच्छा, डेयरी का काम करती हैं? पहले क्या करती थी डेयरी से पहले? खेती। खेती अब खेती छोड़ दिया? खेती है, खेती तो है, खेती भी है, डुबाने गाय ने ज्यादा रखा। अच्छा, तो खेती बाड़ी में जो खाद होती है देसी खाद, वो गाय भैंस के गोबर की होती है? सरकार से फायदा मिल रहा है? डेयरी पे क्या फायदा मिला? वो तो 15,000 मिल गया। अच्छा, 15,000 रुपए का फायदा मिला। ठीक है बैठिए, धन्यवाद। तो महिलाओं का कहना है कि सरकार मदद कर रहा है और उसी मदद के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, आपका सिरोही में स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश प्रजापत, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड सिरोही जी। नाबार्ड की क्या भूमिका होती है, क्योंकि मैं तमाम तस्वीर को साफ करते हुए आप तक आई कि क्या कहती है हमारी महिलाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर तस्वीर है यहाँ की, क्या भूमिका आपकी? नाबार्ड पूरे देश के अंदर 10,000 एफपीओ जो केंद्र सरकार की जो स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है, कैसे उनकी लागत कम हो, कैसे उनकी फसलों के भाव ज्यादा मिले, तो इस दिशा में सिरोही जिले के अंदर 5 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, और ये सभी एफपीओ आज 300 से ज्यादा इनकी सदस्यता हो चुकी है, और ये सभी भारत सरकार के द्वारा इनको प्रथम इक्विटी भी मिल चुकी है, सभी ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, सभी अपने किसान सदस्यों को गुणवत्ता युक्त बीज खाद उपलब्ध करवा रहे हैं। कितनी आबादी इस गांव की? इस गांव की आबादी 5,000 से 6,000 की आबादी। और 6,000 में कितने भाई लोग हैं, कितनी बहनें हैं जो एफपीओ से जुड़ रही हैं या सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं? मेरे हिसाब से यहाँ पे 100% कवरेज है। हमने यहाँ पे पशुपालन से जो केसीसी शुरू हुई है 2018-19 में, उसके अंदर भी यहाँ की महिलाओं को केसीसी से जुड़वा है। इसके अलावा आपने देखा है आदिवासी क्षेत्र के अंदर जोत की साइज छोटी होती है, तो पशुपालन यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय है, तो उसमें कैसे गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पादन करें, तो यहाँ पे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको हाइजेनिक मिल्क प्रोडक्शन का ट्रेनिंग दी गई, उनको कैसे आहार का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है पशुपालन में, आहार आवास उसका भी आपने देखा होगा, उस सब को करवा के इनको ऋण का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण में जी। इन महिलाओं को जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनको लोन से माध्यम से जोड़ा गया है, और लोन के माध्यम से जोड़ने के बाद में इनको मिल्क रूट डेवलप करके इनके दूध को अच्छे फैट पे, जैसे आपने सुना है अच्छे फैट का मूल्य दिलवा के आज यहाँ पे प्रोसेसिंग की भी इकाई की भी संभावना है, और इसके अलावा मिल्क कलेक्शन सेंटर भी इस गांव के अंदर चल रहा है। क्या बात है, आप अगर लगातार ऐसे काम करते रहे तो जरूर तरक्की होगी। बैठिए, जब आंकड़ा 100 का हो गया है तो अब तस्वीर दूसरी होनी चाहिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आर एस चौधरी, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही। तमाम यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई है पढ़ी लिखी नहीं है, तो डिजिटल के माध्यम से वो नहीं जानकारी ले पाती है या कृषि विज्ञान केंद्र तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो बाकी कौन सा दूसरा रास्ता आसान है कि किसानों को जानकारी देनी है, कैसे किसानों के बीच पहुंचते हैं आपके अधिकारी लोग, या सीधा कृषि विज्ञान केंद्र ही बुलाते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं आप लोग? ये जो ट्राइबल बेल्ट है इसमें जो किसान हैं महिलाएं हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पहुँचने का माध्यम जो दूसरी संस्थाएं हैं उनसे भी हम जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कृषि विभाग है, कृषि विभाग के जो सुपरवाइजर्स हैं, या जो हमारे एनजीओज हैं जैसे प्रधान संस्था है और दूसरे एनजीओज हैं, उनसे जुड़ करके इन तक जानकारी पहुंचाई जाती है और महिलाओं को वहां तक ले जाया जाता है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र के ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों प्रकार की ट्रेनिंग हम देते हैं। ऑफ कैंपस में गाँव में जाकर के गोष्ठी करना, इनको सभी प्रकार की जानकारी देना, खेती बाड़ी की जो स्मार्ट क्रॉप्स की अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो बदलती जलवायु है उस परिदृश्य में हमें कौन सी फसलें लेनी चाहिए, उनकी जो उन्नत किस्म के जो बीज है
उनके भी हम प्रदर्शन गाँव में देते हैं। ठीक है, जो ट्राइबल बेल्ट है, चाहे वो दलहनी फसलें हों चाहे तिलहनी फसलें हों, उन सबके प्रदर्शन हम देते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं भारत की बदलती हुई तस्वीर में विज्ञान और किसान दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो स्मार्ट क्रॉप और हाईटेक खेती की जो हम बात कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जो इन पहाड़ों में रहने वाले किसान भी उस तस्वीर में आ जाएंगे। हम कहते हैं कि ट्राइबल जो लोग होते हैं वो खेती बाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं या वो जागरूक नहीं होते हैं, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। ऐसा किसने कहा? आप देखिए किस तरह से हमारे ट्राइबल में जो महिलाएं रहती है वो एपीओ से जुड़ गई हैं और किस तरह से खुद की आमदनी को बढ़ा रही है। अब मामला जो है वो पतियों से मांगने वाला नहीं देने वाला बन चुका है। तो इतनी आत्मनिर्भर महिलाएं चौपाल में बैठकर बात कर रही है, और ये राजस्थान है जब महिलाएं घूंघट में रहती हैं, पुरुषों के बराबर नहीं बैठती हैं, वहां की बात कर रही हूँ। यह है बदलता हुआ भारत, यह है बदलते हुए भारत की तस्वीर और तरक्की की तस्वीर विज्ञान से जुड़कर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, राजस्थान में है, माउंट आबू में है और सिरोही जिले में है, अलग अलग गांव में पहुंचेंगे और उन गांव से योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तमाम अधिकारी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार।